पर नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन बताया जा रहा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन सभी 288 सीटों के लिए अभी तक भी उम्मीदवारों का ऐलान कर नहीं पाई है। महायुति में बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी के अलावा कुछ छोटे छोटे दल भी शामिल है। वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी के अलावा अन्य छोटे दल शामिल है। महायुति ने अब तक 288 में से 275 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं और 13 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना अभी भी बाकी है, जबकि महाविकास आघाड़ी ने अब तक 264 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और उसे अभी 24 और सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान करना बाकी रह गया है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने अभी तक भी 288 में से 275 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी ने 146 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। शिवसेना शिंदे गुट ने अब तक 80 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं 49 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि 6 सीटों पर अन्य सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं। अब महायुति को अभी 13 और सीटों पर उम्मीदवार उतारने बाकी हैं और माना जा रहा है चूंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है तो आज ये लिस्ट आ सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के गठजोड़ वाली ये महाविकास आघाड़ी ने भी महाराष्ट्र में 288 में से अभी तक 264 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें से भी कांग्रेस ने 103 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। शिवसेना, उद्धव गुट की बात की जाए तो 85 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं और एनसीपी शरद पवार गुट ने 76 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी का 24 और सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान करना बाकी है और वो सूची अब कभी भी आ सकती है क्योंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है। और इस बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे ने सोमवार रात 13 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मुंबा देवी सीट से शायना एनसी को उम्मीदवार बना दिया है। आपको बताते चले, शायना बीजेपी की नेता है लेकिन वो शिवसेना शिंदे के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा शिंदे गुट ने एक एक सीट दो सहयोगी पार्टी को भी दे दी है। महायुति के नेतृत्व ही तय करते हैं कि कौन से उम्मीदवार को कहां से मौका मिलना चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकती हूं कि 20 साल मैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में रही हूं, 20 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम करते आ रही हूं और मैं मानती हूं कि दक्षिण मुंबई के कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी वोटर हो या कोई भी मुद्दा है, मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ और उसी सिंसियरिटी और निष्ठा के साथ काम करना चाहती हूँ। इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोमवार रात को पांचवी सूची जारी कर दी है और इसमें 4 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। कोल्हापुर उत्तर से राजेश भारत लाटकर का टिकट कैंसिल करके मधुरिमा राजे छत्रपति को टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस ने रविवार को अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी थी, इसमें 14 नाम शामिल थे। इसके अलावा एनसीपी शरद गुट ने भी सोमवार को अपने 7 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। महाविकास आघाड़ी ने अभी तक 265 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं।